जैसे ही आप काशी विश्वनाथ टेम्पल के साइड गली में एंट्री करेंगे, वैसे ही आपको अलग अलग तरह की दुकानें मिलेंगी। साइड में कचौरी, जलेबी, समोसा और काफ़ी शॉपिंग करने के लिए दोनों साइड अच्छी अच्छी दुकानें लगाई गई हैं। ये देखें, यहाँ से आप खरीद सकते हो, देख सकते हो। इसको खाया तो नहीं हूँ पर आप आज इसको ट्राई कर सकते हो। काफ़ी टेस्टी और काफ़ी स्वादिष्ट होता है और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपके ब्लॉग में। तरह तरह के यहाँ पे फोटोज, फ्रेम, अलग अलग टाइप के भगवान जी के सारे लगाए गए हैं दरवाजे पे, जो आपको काफ़ी अच्छा आएगा। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बाबा भोलेनाथ के कपड़े और अलग अलग टाइप के भी हैं जो आप शॉपिंग कर सकते हो और काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। डमरू जी है बाबा भोलेनाथ जी का। आपको मैं बता दूं कि जो काशी विश्वनाथ जी का वो टेम्पल है वो पूरा गोल्ड का बना हुआ है और वहाँ पे आप कैमरा, मोबाइल कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। बेल्ट भी निकलवा देते हैं वो लोग, जूते चप्पल सब कुछ बाहर। हाँ, कस्तूरी मतलब कपड़े का बनाया गया है। और यहाँ पे आप चलिए महाकाल चुस्की गोला 10 रुपये, 15 रुपये और 25 रुपये वाला ले लेते हैं यहाँ पे, तो दो हम खाते हैं यहाँ से। और काफ़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इनसे बनवाते हैं और खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप देखते जाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तरह तरह के सामान वहाँ पे जो नदी में से निकलता है, शंख, भोले जी का माला, और यहाँ पे देखिए शीतला घाट 150 मीटर्स, अलग अलग इनका गेट भी चार करीब है। काशी विश्वनाथ जी का टेंपल का जो गेट है वो तरह तरह का गेट है, तो आप जो गंगा जी में स्नान करेंगे उधर से एंट्री करेंगे तो भीड़ कम होती है और आप जा करके आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सामानें मिलती हैं और आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर ये सब खरीद के लेके जाएँ। शॉपिंग करने के लिए ज़रूर आएँ और आप अच्छे से शॉपिंग करें और इन्जॉय करके ही जाएँ। यहाँ पर ये सारी सामान रखी हुई है, काफ़ी आपको पसंद आएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे सब दिखाया गया है जो आपको काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इसके बाद ये एकदम बिल्कुल गंगा जी के किनारे की सारी दुकानें हैं, तो चलिए हम यहाँ पे स्नान करेंगे, फिर उसके बाद बाबा विश्वनाथ जी का टेम्पल के अंदर जाएंगे और वहाँ पर दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर नदी है, जो नाव वाले हैं ये बोट वाले वो लेके जाते हैं, तो आपको दर्शन भी नहला के वहाँ पर दर्शन भी करवाते हैं। अलग अलग घाट पर ये हैं, एक लॉकर ही देते हैं दुकान वाले, जितने यहाँ पे होते हैं प्रसाद देंगे, लॉकर देंगे, आपका जूता चप्पल निकलवा देंगे और अंदर दर्शन करने के लिए कैमरा अलाउड नहीं, तो हम दर्शन कर लिए और बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिल जाते हैं और ये भी लोग भी वीडियो देखते हैं, शायद बहुत दूर से बिहार से आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखो ये लोग हैं और ये लोग खुद हमसे बोला कि क्या है, तो हम इनको दिखाते हैं और बताते हैं। और ये लोग बहुत दूर मिर्ज़ापुर जाने वाले हैं यहाँ से और शायद ये लोग पढ़ते ही हैं, अभी तैयारी किसी चीज़ का, गवर्नमेंट जॉब का करते होंगे। तो इन्होंने मिल गया है और ये लोग भी बोले कि हमें भी कैमरे के अंदर ले लो, वीडियो में हम आए। तो ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं जो ये वाराणसी हम लोग आए थे तो यहाँ पर मिल गए, तो ये लोग बहुत पहले से वीडियो देखते हैं। और कैसा लगता है आप लोगों को वीडियो? बहुत अच्छा लगता है, वीडियो काफ़ी दिन से आप लोग देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी जा रहे हैं बनारस, काशी विश्वनाथ आए हैं। टेम्पल जाओगे फिर? मिर्ज़ापुर से आए हो? मिर्ज़ापुर से आए, बिहार से आए हो? अच्छा अच्छा, अभी जाओगे कहाँ? अभी तो आज यहीं पे जाएंगे। हाँ, कल मिर्ज़ापुर जाओगे? क्या पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो जीरा, मिठी, ये क्या है? गुलाब पत्री। अच्छा अच्छा, लट्ठा, चेरी, सुपारी, मीठी सुपारी। अच्छा अच्छा,